सकते हो, काली पट्टी बांधकर जो अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, वो विरोध भी जता रहे हैं और साथ बच्चों की जो शिक्षा है, जो पढ़ाई है, वो उसको मतलब रोका नहीं जा रहा है, लगातार बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लगातार जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, उनका साफ तौर पे कहना है, जब तक हमारी मांगे, जो पीछे लंबित मांगे हैं, वो नहीं मांगी जाती हैं, मानी जाती है, जब तक हमारा विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। ऑनलाइन अटेंडेंस का नियम सरकार ने तो जारी कर दिया, लेकिन शिक्षकों को ये अभी नागवार है। शिक्षक इसके विरोध में हैं और शहर शहर इस नियम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ हमारी शिक्षक लोगों की मांगे हैं जो जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक हम ये जो हाजिरी के विरोध में हैं। जैसे कि हमको 14 सीएल मिलती है, वो साल भर के लिए हमारे लिए काफ़ी नहीं होती है। हमें कोई अनलीव नहीं मिलती है, कोई छुट्टी नहीं मिलती है, हमें आधे दिन का अवकाश नहीं मिलता है। मान लीजिए हम कहीं प्रॉब्लम में फंस गए या हम बहुत दुर्गम स्थानों पे जहाँ टीचर्स जाते हैं तो उनके रास्ते ऐसे हैं कि पता चला कहीं पेड़ गिरा है, कहीं कोई सड़क धस गई है, कहीं नदी पार करके वो जा रहे हैं, तो वहाँ पहुँचने में एक दो मिनट का तो हो ही सकता है देरी। तो वो जो टाइम है कि 7:45 से 8 बजे तक का, अगर वो एक मिनट भी इधर उधर होता है तो फिर अटेंडेंस में दिक्कत होगी, फिर पूरे दिन की टेंशन टीचर को हो जाएगी कि आज हमारी अटेंडेंस नहीं हुई है। ये सारे इश्यूज हैं जो कुछ मांगे जो हमारी पूरी हो जाएंगी तो संघ के आह्वान पे हम लोग काम करेंगे। सरकार की तो सोच यही है कि टीचर से लेकर बच्चे तक हर कोई स्कूल में टाइम पर पहुंचे, शिक्षा का स्तर बढ़े, बच्चे होनहार बने। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए सरकार ने नया आदेश दिया है और जो अटेंडेंस लगेंगी वो अटेंडेंस डिजिटल होंगी, उनके फेस से अटेंडेंस लगाई जाएंगी, जियो टैगिंग से लोकेशन भी सामने आएगी। इसको लेकर तमाम शिक्षक संगठन या शिक्षकों की बात की जाए तो असहमत नजर आ रहे हैं। हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम शिक्षक मेरे साथ मौजूद हैं, शिक्षक संगठन के जिलाध्यक्ष भी हैं। सर, क्यों आप लोग असहमत हैं इससे? मेरा नाम प्रवीण शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ गौतम बुद्ध नगर का जिलाध्यक्ष हूँ। हमने सब शिक्षकों से राय ली है, ये टैबलेट है, ये सरकार ने दिया है, इससे उपस्थिति मांगी जा रही है, जबकि हम सभी शिक्षक समय से विद्यालय आते हैं, निरीक्षण के लिए अधिकारी हैं, अधिकारी निरीक्षण करें। मैं रामकृष्ण शर्मा, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय तुगलपुर से हूं। पहली बात तो विभाग द्वारा मुझे अभी ये टेप उपलब्ध ही नहीं हुआ है, उसके बावजूद इसमें बहुत सारी विसंगतियां, बहुत सारी समस्याएं हैं। हम रोजाना समय से आना चाहते हैं और आते ही हैं, हम रास्ते में आ रहे हैं, भगवान ना करे हमारे 2-व्हीलर में 4-व्हीलर में कोई समस्या आ जाए और हम उस समय पर नहीं पहुंच पाते हैं जबकि हम आना चाहते थे, उसके बावजूद भी हम समय पर नहीं पहुंचे तो हम अनुपस्थित हो जाते हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि जब तक अधिकारी भी नहीं करते हैं इस चीज के लिए, अपनी उपस्थिति ऑनलाइन नहीं दे रहे हैं और हम पे ही जोर दिया जा रहा है तो वो गलत है। अलीगढ़ में भी शिक्षकों का यही विरोध देखने को मिला। शिक्षकों ने अपनी परेशानी बताई और बताया कि इस ऑनलाइन अटेंडेंस से उन्हें क्या तकलीफ हो रही है। समस्या ये आ रही है कि मेरे पास नेट, सबसे बड़ी समस्या नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, चक्कर घूमता रहता है, विभिन्न विद्यालयों से मेरे पास फोन आ रहे हैं और 8 बजने के बाद उनकी उपस्थिति नहीं लग पा रही है और वो सभी इतने चिंता में हैं कि शायद आज का उनका वेतन कट ना जाए। अध्यापक समय से भी विद्यालय आ जाता है और 8 बजे का समय 7:30 बजे विद्यालय आने के बाद भी, मैं अपना खुद का अनुभव बता रही हूँ कि 7:30 बजे आई और उसके बाद अटेंडेंस के लिए प्रयास करती रही लेकिन मेरी अटेंडेंस नहीं लगी, उसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। अब समय से आने के बाद भी अगर उपस्थिति नहीं लगेगी तो क्या होगा, ये तो गलत मैसेज आएगा। और जैसे कि मान लीजिए मैं अभी रवि रास्ते से आ रही थी अपना एक्टिवा लेकर के, मेरा एक्टिवा स्लिप हो गया, अब समस्या है कि मेरे पैर में चोट भी लग गई और यहाँ आते आते थोड़ा टाइम मैं पहुंच भी गई हूँ और डाटा फिर मैं कर भी रही हूँ, सिंक नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ बताइए। शहर शहर इस विरोध का अलग तरीका देखने को मिला, कहीं टीचर शब्दों से अपनी नाराजगी जाहिर करते दिखे तो कहीं काली पट्टी बांधकर टीचर्स ने अपना विरोध जाहिर किया तो कहीं शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था की पोल खोलना शुरू कर दिया। आज हम तो पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांधकर विद्यालय में शिक्षा का इसलिए कर रहे हैं कि राज्य सरकार ने शिक्षकों के ऊपर ऑनलाइन हाजिरी बिना उनकी मांग पूरा किए हुए थोप दिया। आज शिक्षा नीति परेशान है, ना उसको ईएम मिल रहा है, ना उसको सीएम मिल रहा है, उनका विद्यालय ग्रामीण इलाकों में है, ना ही साधन है, आज प्रसाद का सीजन चल रहा है, शिक्षकों को आने जाने में बहुत दिक्कत है, इस स्थिति में ऑनलाइन उपस्थित देना कहाँ तक बैठ है।
दरअसल प्राइवेट सेक्टर में तो यही नियम है कि आपको ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना होगा, 9 घंटे जॉब करनी होगी। अगर आप 9 घंटे से कम की जॉब करेंगे तो आपकी सैलरी कटेगी। सरकार की तो यही मंशा है कि सूबे की शिक्षा का स्तर हाईटेक हो, सब पढ़े सब बढ़े। इसमें शिक्षक से लेकर अधिकारी तक सब अपना पूर्ण रूप से योगदान दें, कहीं कोई ढिलाई ना की जाए। और यही वजह है कि ऑनलाइन अटेंडेंस की नई प्रक्रिया को शुरू किया गया है। लेकिन टीचर्स को शायद ये कानून मंजूर नहीं, लेकिन क्या टीचर्स की यही मंशा है कि लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दें? क्योंकि जब टीचर ही पढ़ाई की जगह प्रदर्शन करेंगे तो बच्चे स्कूल में क्या करेंगे? हालांकि इसमें टीचर्स की भी कुछ मांगे जायज है। इसके बारे